यार हटो यार। हेलो भैया, हेलो जैसा हो गया।
इतना दूर किया, आनंद हो गया हमारा कि लोग जो काम किया तो अंदर में देख कर आया, खुशी हो गया। दो इंजन से चालू किया, दो इंजन से आज 283 पोर्टल करके और देश में एक्सपोर्ट हम कर रहे। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे देश का आर्थिक उन्नति नहीं होगा। भारत 1837 में दुनिया से हाईएस्ट एक्सपोर्ट वॉज गोइंग ड्यूरिंग 1837। उसके बाद हम दुर्भाग्य 600 साल मुगल के अंदर, 200 साल ब्रिटिश के अंदर हमारा जो नॉलेज था हम पूरा ये करके वी बिकम द स्लेव ऑफ 800 ईयर। जागो उठो वो हिसाब से आज हमारा इंजीनियर, आई कम फ्रॉम द स्टेट, एम विश्वेश्वरैया द ग्रेट इंजीनियर ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड इंजीनियर। सो आई एम वेरी प्राउड, माई इंजीनियर सर quite capable to show that. Once Obama said Buffalo or Bangalore, I won't take any engineer from Bangalore, he said. Then most of the engineers came back to Bangalore. After 6 months, once again Obama, without Bangalore I can't live. Please send all your engineers, he said. आप लोग रेलवे बना के कन्याकुमारी टू काश्मीर तक कोई भी जोड़ दिया है तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश तक हर आदमी को, हर राज्य को, हर प्रदेश को, हर भाषा को, हर जाति को जोड़ने वाला कोई भी इस देश में अवसर है तो वो रेलवे इलाके है, रेलवे डिपार्टमेंट है, सबको जोड़ने वाला एक ही साधन है रेलवे डिपार्टमेंट। आज आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री काश्मीर भी आपके साथ जोड़ लिया है। आने वाला दिनों में जल्दी से जल्दी रियल डिब्लू का ब्रांच काश्मीर भी होने के लिए मैं भगवान विश्वनाथ के साथ प्रार्थना करता हूँ। ये अवसर सभी को नहीं मिलता है, विश्वनाथ मुझे दिया है आप लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। मैं और एक दफा आप लोगों को विनती करता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कैसा हमारा विश्वेश्वरैया काम किया है, कोई ईश्वर का विजन लेके आगे बढ़ा हो देश को और दुनिया में इंजीनियर लोगों का दिमाग दिखाओ। आई विश यू ऑल दिस सक्सेस, ग्रेट इंजीनियरिंग ऑफ द इंडियन इंजीनियर। वंस अगेन वी हैव टू इन्वॉल्व मोर इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी विश्वनाथ। आई थैंक यू ऑल दी प्राइम मैडम रश्मि गोयल। हमर जब हां तुम जाओ अपना दूसरा दीपक है ना, बस वो फ्लैग हिला दीजिए नीचे। जब आ जाएंगे आगे सर, जब आगे आ जाएगा इंजन सब इधर सर, इधर उधर बोला इंजन सर, इधर ही देख के सामने देखते थोड़ा सा पीछे आ गया।
को हमारा सौभाग्य है विश्वनाथ के आशीर्वाद से मेरा प्रधानमंत्री पूरा विश्व में यशस्वी प्रधानमंत्री बोलकर पूरा दुनिया उनको आदर कर रही है। योगा करके दुनिया को जोड़ दिया है। आज थोड़ा लोग फैल रहे, निजीकरण कर रहे, ये कर रहे, ऐसा कोई नहीं है। आज एयरपोर्ट है, उदाहरण में एयरपोर्ट में अलग अलग विमान आता है, प्राइवेटाइजेशन वाला आता है। जब हमारा रेलवे का पटरी भी खाली रहा तो इफ़ यू स्टडी फॉर इफ़ एनीबडी कम्स फॉर इन्वेस्टमेंट, उनके पास खाली पैसा पड़ा है, इफ़ ही इन्वेस्ट इन रेलवेज एंड गिव सर्विस टू द पीपल विच क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, वो निजीकरण नहीं हो सकता है। सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है और दिमाग में से निकालना चाहिए वो निजीकरण के बारे में। हमारा प्रधानमंत्री रेलवे के बारे में विशेष आदर है, बिकॉज ही केम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री हुआ, गरीबों का मालूम है। इसके लिए मैं अभिनंदन कर सकता हूँ मेरा कर्मचारियों को। आज ही मैं एक नया इंजन उद्घाटन किया है, मैं अभी अभी बोल दिया, मुझे एक हंडे दूध पिया जैसा आनंद हो गया बोलकर। हंडे दूध बोला तो इधर हंडा बोल देता है हिंदी में, गरगा, वैसा मुझे आनंद हो गया आज वाराणसी में देखकर। मैं इंजीनियर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट, इसके लिए चंद्रयान तक जा रहे और आने वाला दिनों में और 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का 10 साल के अंदर योजना है। इसके लिए मैनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द रेलवेज। सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग इससे भी तेज़ी से काम करो और हमारा प्रधानमंत्री का नाम दुनिया में विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हमारा इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। सर, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम एस डी एल डब्ल्यू की स्थापना, तब से इस DLW के ऑफिसर्स और कर्मचारियों के एक सतत मेहनत का प्रयास है कि DLW ने हमेशा राष्ट्र को आय दिया। जैसे नवरत्न कंपनियां हैं, तो क्या DLW को भी इन रत्नों में शामिल किया जाएगा? जरूर करेंगे। उसमें DLW इज वन ऑफ दी फेमस एंड स्पेशल कंपनी सिंस लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं कल DLW गेस्ट हाउस में रहते हुए बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आते हैं, देखता है, बहुत खुशी होता है। जब मैं प्रधानमंत्री खुशी रहता है बोला तो ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट योर कंपनी, नहीं तो DLW में क्यों आता था। इसके लिए जो दिमाग में हमारा कर्मचारियों के वो निकाल के और आने वाला दिनों में कॉम्पिटिशन करना, ये नवरत्न HP कंपनी है, IOC है और BPL है, उनको नवरत्न क्यों बोलता है, उनके अंदर ही कॉम्पिटिशन है। एक कंपनी ज़्यादा कमाता है, एक कंपनी कम कमाता है, वैसा हमारा रेलवे का भी कंपटीशन रहना चाहिए। इसके लिए आने वाला दिनों में भी इट शुड गो फॉर बेटर देन द नवरत्न, नवरत्न से भी अच्छा काम करने को बोलकर मैं विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। बात करते हैं कितना समय लगेगा, कब तक वो मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजन देख के बहुत खुशी हो गया था। अभी मैडम रश्मि गोयल जी हमारा जनरल मैनेजर बात करने के लिए देने का टाइम में मैं उनको विनंती किया है, अभी इलेक्ट्रिकल का उतना ही किया है, आप इसमें हाइब्रिड करो और आने वाला दिनों में डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों रहना चाहिए। दुनिया में भारत का शक्ति हमारा इंजीनियर का बुद्धि दिखाना चाहिए। आई कम फ्रॉम दी इंजीनियर विश्वेश्वर ऐसा प्लेस से, वो नॉलेज दुनिया को हम दिखा सकते हैं, वो करो बोलकर मैं विनंती किया है। हमारा इंजीनियर्स अगले महीने में वो ड्यूअल इंजीनियर डीजल और इलेक्ट्रिकल का कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। सोलर का भी इसमें यूज किया जाएगा? यस, अभी उसमें यूज कर सकते।